SCST Muslim Front Association for Protection of Civil Rights और All India Sunni Ulma Board ने टैंक बंद पर एक इहतजाजी धरना मुनज़म करते हुए मक्का मस्जिद मुतासरीन के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। इस दौरान मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों ने हुकुमरान जमात की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि गुज़िश्ता TRS दौरे इख्तदार में कई मसाइल को हल नहीं किया गया है। खासकर उन्होंने मक्का मस्जिद बम धमाका फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बम धमाके के फौरी बाद मुकामी नौजवानों को शुबे की बुनियाद पर गिरफ्तार कर उन्हें जिस्मानी व जहनी अजियतें दी गयी, बाद अजा उनकी रिहाई अमल में लाई गयी है। इसी तरह से दीगर मुबैना मुलजिमान को बरी कर दिया गया। वहीं उन्होंने मक्का मस्जिद बम धमाके का फैसला सुनाने वाले जज की बीजेपी में शमूलियत की इतलात का तस्करा करते हुए कहा कि इस तरह की जहनियत रखने वाले जज अदलिया और इंसाफ पर एक बदनुमा दाग करार दिया है। चुनाचे SCST मुस्लिम फ्रंट एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड ने मक्का मस्जिद बम धमाका मुतासरीन को इंसाफ दिलाने अदालत उज़्मा से रुजू होने का हुकूमत से मुतालबा किया है। अगर अदालत में इंसाफ नहीं मिलता है और अदालत में काम करने वाले जजेस सियासी एतबार से और पार्शियलिटी से काम लेते हैं, आदारी नहीं कर सकते, बल्कि वो मुल्क को तोड़ने की साजिश में शामिल है। ऐसी सूरत में हिंदुस्तान में जो जमहूरी निज़ाम है वो अदालतों की वजह से कायम है और अदालत में आज भी जजेस मौजूद हैं जो सियासी एतबार से फैसले करने के आदि हो गए हैं और उनको फैसला दिया है मक्का मस्जिद के खिलाफ और मुलजिमों को उन्होंने छोड़ा है, वो इंसान को जो है कत्ल किया है, इस वास्ते उनके खिलाफ CBI इंक्वायरी करनी चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है और इन्होंने ये फैसला क्यों किया और इस केस को रीओपन करने की ज़रूरत है। और हम मुतालबा करते हैं कि CBI से इसकी तहकीकात की जाए और ये मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट और जो दीगर बम ब्लास्ट हुए हैं हिंदुस्तान में तमाम CBI के तहत तहकीकात होनी चाहिए। लोकल पुलिस जो है अपने जो है असरात की वजह से मुतासर है, लिहाजा हम गवर्नमेंट के वो जो है अपील करें और जो है अपील इंतहाई दयानतदार वकला के साथ और सीनियर वकला की रहनुमाई में करें तो जो है जमहूरियत की बखा के लिए इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। सबसे अहम जजमेंट उसमें मक्का मस्जिद बम धमाके का था। मक्का मस्जिद क्रिमिनल कोर्ट से मक्का मस्जिद बम धमाके का जो जजमेंट आया उसी वक्त लोगों में किस्म की तशवीश पैदा हुई। एक ऐसा मुजरिम जो जज के सामने आके ये बात कबूल करा कि बम धमाके की प्लानिंग मैं करा, बम धमाके में मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ, उसके बावजूद भी जजमेंट में उस मुजरिम को बाइज्जत बरी करा। और उसी तरह से वटाली में एक फैमिली को जिंदा जला दिया गया और उसका भी जजमेंट सेम जज के पास सेम टाइम पर ही किया गया और उसमें भी तमाम मुजरिमों को बाइज्जत बरी किया गया। जजमेंट के बाद में जज साहब फौरी अपना रिजिग्नेशन लिखकर दिए कि मैं इसके ऊपर नहीं रहता, फिर उसके ऊपर दबाव आया और वो वापस ले लिए। अब इमीडिएटली वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे अधिनियम के अंदर जो भी जजमेंट आ रहा वो RSS जो जारी वो जजमेंट आ रहा। तो आज का हमारा ये जो एहतजाजी धरना है और हम जो अपील करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि अधिनियम को RSS से दूर रखो। अगर अदलिया के अंदर RSS जहन के लोग रहेंगे वो लोग गलत जजमेंट देंगे, उसके बाद में RSS ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी में आएंगे, तो ये हमारे देश के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी है वो जजमेंट के खिलाफ में फौरी हाईकोर्ट में अपील को जाए। हम इससे पहले भी हुकूमत को नुमाइंदगी कर चुके हैं, मीडिया के जरिए भी हम इत्तला दिए हैं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है वटोली केस को और मक्का मस्जिद बम धमाके केस को अपील में जाए। अगर हुकूमत अपील में नहीं जाती है, हम अब देख रहे हैं इलेक्शन करीब है, अगर हुकूमत इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाएंगी
तो हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसके खिलाफ में, हम हुकूमत के खिलाफ में भी जाएंगे और हम की कोशिश करेंगे विक्टिम को साथ लेके हम अपील को जाएंगे। अगर हम अपील को जाते हैं तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होंगी। हुकूमत को समझ लेना चाहिए, हर चीज को ज्यादा नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि ये हुकूमत की सोच अब जो काटती है वो आप हम सब देख रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए हुकूमत को। यहाँ पर सेकुलर तेलंगाना एरिया है और आपको क्योंकि पूरे सेकुलर वोट दिए हैं तो आप काम भी सेकुलर को मद्देनजर रख के करना चाहिए। ये हुकूमत बनने के बाद में दो तीन बड़े हादसे हुए, एक आलेट इनकाउंटर हुआ जिसमें आप लोग देखे कि 5 जवानों को, नौजवान बच्चों को जुडिशियरी कस्टडी के अंदर कत्ल किया गया। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की तारीख में इससे बुरा वाकया और कोई नहीं हुआ, उसके बारे में भी हमारी हुकूमत खामोशी अख्तियार करी। लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि फौरी वो अपील में जाए, अगर हुकूमत अपील में नहीं जाती है तो हम हुकूमत के खिलाफ एक मास खोलेंगे। के लिए जो हमारी डेमोक्रेसी है उसे बचाया जाए, जो मेन 3 पिलर्स है हमारे डेमोक्रेसी के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, क्या हो रहा है इनमें, सैफ्रनाइजेशन हो रहा है क्या, बचाइए इनको। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जो जजमेंट पास किया गया मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस काफ़ी सालों पुराना है और अब तक कुछ भी नहीं हुआ इसमें। किसने किया, कौन लोग जिम्मेदार है इस ब्लास्ट में, इन्वेस्टिगेशन हुआ, यहाँ के जो लोकल यूथ हैं उन्हें टारगेट किया गया, ये बताया गया कि उनका हक है, उन्हें अरेस्ट किया गया। लोकल यूथ के साथ उनके फैमिलीज भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा एंड बहुत सालों के बाद ये सामने आया कि नहीं, ये सभी लोग इसके जिम्मेदार नहीं है, लिहाजा उन्हें छोड़ दिया जाए। फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ एंड देन अजीमा नंदन कंपनी, उनका खुद खुद ही बयान है कि हम लोग जिम्मेदार हैं इस क्लास में, उन्हें अरेस्ट किया गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, ट्रायल हुआ एंड बहुत सालों के ट्रायल के बाद फिर हमारे जो जज है नहीं है, तो उसका मतलब क्या है। एंड जजमेंट देते ही चंद घंटों में वो क्विट भी कर देते हैं। एंड अभी इस बात का खुलासा हुआ है कि वो बीजेपी में पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब क्या है, और वॉज ही अंडर प्रेशर टू गिव सच अ जजमेंट। और उसके बाद NIA कोर्ट था जहाँ से सारे जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स है, विटनेसेस के गवाह है, सारी चीज़ें गायब है। जब ऐसे इंस्टीट्यूशन का कोई फायदा नहीं है और जो उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें इंडिया के लिए या इनके लोगों के लिए नहीं कर सके, ऐसे इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा क्या है। आज हम बस यही मांग कर रहे हैं कि जो मेन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, इन्हें पॉलिटिसाइजेशन मत कीजिए और सैक्रलाइजेशन से दूर रखिए।